All right, guys. So welcome to Acumen. मेरा नाम है डॉक्टर उमेश शंकर त्रिपाठी. गाइस, असिस्टेंट इंजीनियर की स्टेट लेवल की एक और वैकेंसी आई है जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है गेट 2025 के थ्रू. इससे पहले ए की वैकेंसी यूपीपीसीएल में आई थी और उससे पहले बीपीएससी के शॉर्ट नोटिसेस आ चुके हैं गेट 2025 के थ्रू रिक्रूटमेंट होने के. अब यहाँ पे जो गेट एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि अब एक और गवर्नमेंट वैकेंसी गेट के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है. लेकिन जो स्टूडेंट केवल असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो गेट के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, उनके लिए ये खासी अच्छी न्यूज नहीं लग रही है. असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी स्टेट लेवल पे नॉर्मली गेट के थ्रू रिक्रूट नहीं किए जाते थे. इनका अलग एग्जाम होता है, अलग फॉर्मेट होता आया है. एग्जाम का पैटर्न भी गेट से बहुत अलग रहता है. गेट एग्जाम से रिक्रूट करने का ये जो सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, लग रहा है कि बहुत सारे स्टेट और बहुत सारी वैकेंसी इस चीज को फॉलो करती जा रही है. सबसे पहले बीपीएससी ने स्टार्ट किया, यूपीपीसीएल ने फॉलो किया, अभी उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड का वैकेंसी आया है. मैं इस वीडियो में आपको उन वैकेंसी की डिटेल भी बताऊंगा. सो यूपीएससीबीएल, उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हैं, इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है वो आपके गेट 2025 के थ्रू आई है. चलिए जरा सबसे पहले नोटिस को देख लेते हैं. तो गाइस, आप अपनी स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन देख रहे होंगे. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड लखनऊ में इसका ऑफिस है. और ये क्या है, हिंदी में नोटिस है. उत्तर प्रदेश के नोटिस जो स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं सामान्यतः हिंदी भाषा में ही होते हैं. क्या बता रहे हैं इसमें आपको, इसमें बताया जा रहा है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल का रिक्रूटमेंट है वो गेट 2025 के स्कोर से होने वाला है. तो अगर आपका गेट 2025 में स्कोर अच्छा आता है, एक अच्छे मार्क्स आते हैं, एक अच्छे नंबर आते हैं, तो आपके लिए इस वैकेंसी का भी दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है. गेट 2025 का एग्जामिनेशन फरवरी मंथ में होता है और अगर आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तो आपको एमटेक की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और अब लग रहा है ए भी गेट के साथ जुड़ता जा रहा है. ठीक है, गेट का फॉर्म की डेट, लास्ट डेट अभी बची हुई है, 26 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. वैकेंसीज कितनी आई हुई देख लेते हैं. तो सिविल में 28 टोटल वैकेंसीज हैं और मैकेनिकल में टोटल वैकेंसीज का नंबर 7 है. और यहाँ पे आपका जो एज है, एज क्राइटेरिया है वो 40 इयर्स तक है. मतलब अगर आपका एज 40 साल तक है तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस वैकेंसी को भर सकते हैं. सो गाइस, जो स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल करके आई है. अब गाइस, सवाल ये उठता है यहाँ पे कि क्या असिस्टेंट इंजीनियर की, जो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वो क्या गेट से जुड़ने वाले हैं. अगर आपको मैं थोड़ा गेट के इतिहास के बारे में बताऊं, देखिए गेट के लिए टीचिंग मैंने बैक इन 2011 शुरू किया था, तो गेट एग्जाम के साथ बहुत जुड़ा हुआ है मेरा. मैं खुद गेट के लिए काफी समय पढ़ाया, खुद गेट में मेरे 76 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, जिसके बेस पे मैंने IIT रुड़की से एमटेक किया, उसके बाद PhD किया, तो गेट से मेरा बहुत लगाव है. लेकिन मैं एक बात आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ. जब 2010 वगैरह की मैं अगर आपको बात करूँ, तो गेट बहुत पॉपुलर एग्जाम नहीं हुआ करता था. क्यों पॉपुलर एग्जाम नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय गेट से केवल एक अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई थी, वो थी एमटेक करने की, और इन फ्यूचर जो PhD करना चाहते हैं वो एमटेक के बाद PhD किया करते थे. फिर 2011 में क्या हुआ, 2011 में से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स धीरे धीरे गेट के साथ जुड़ना शुरू हुए और लगभग 2014-15 में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs ने अपना रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू किया. पहले ये PSUs अपना एग्जामिनेशन अलग कराया करते थे, जैसे NTPC अलग कराती थी, सेल अलग कराती थी, कोल इंडिया कराता था, राइट. इस तरीके से बहुत सारे PSUs अलग अलग अपना रिक्रूटमेंट एग्जाम करा रहे थे. फिर इन्होंने अपने अलग अलग रिक्रूटमेंट कराने बंद कर दिए और एक गेट के थ्रू अपना सिलेक्शन शुरू किया. इससे नुकसान भी हुए, फायदे भी हुए. फायदे क्या हुए कि भाई स्टूडेंट को क्लैरिटी हो गई कि हाँ भैया एक एग्जाम के लिए पढ़ना है
उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर ले तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नुकसान क्या हुआ कि एक दिन साल का एक दिन डिसाइसिव फैक्टर बनेगा, साल का एक दिन डिसाइड करेगा कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, राइट। आपका आप सरकार में गवर्नमेंट में इंजीनियर बनोगे कि नहीं बनोगे, राइट। अब असिस्टेंट इंजीनियर में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लगातार बीपीएससी का जुड़ा हुआ, मैंने बताया आपको यूपीपीसीएल का हुआ, और अब ये जो आपका ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है स्टेट गवर्नमेंट का, इसने भी एक ही वैकेंसी को गेट 2025 से रिक्रूट किया है। तो एक फ्लैशबैक सा लग रहा है, इसी तरीके से एक समय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक एक करके गेट के साथ जुड़े थे, तो क्या ये भी संभावना बन सकती है कि ए लेवल के जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है वो मैक्सिमम गेट से जुड़े आएंगे। तो स्टूडेंट के लिए जो ए वाला एग्जाम सेगमेंट है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम सेगमेंट है, ये फिर खत्म होता हुआ नजर आएगा। गेट और ए दो लेवल के एग्जामिनेशन में काफी सारा डिफरेंस होता है, पैटर्न अलग होता है। ए में सामान्यतः आपका जो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आता है। गेट में इन सब का फैक्टर नहीं होता है, बट टेक्निकल थोड़ा हाई एंड होता है, राइट। सो देखते हैं क्या होता है, आज के लिए तो इतना ही। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस तरीके से और नोटिस हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। So with this, thank you very much and have a good day.